चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर रहेगा 2 एनसीईआरटी से और नाम है उसका पॉलीनोमियल्स। ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसमें बताएंगे कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो जो है पॉलीनोमियल मेन कांसेप्ट रहेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मैथ्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और कुछ वेरिएबल नाम की बात भी हमने पढ़ी होगी, वेरिएबल्स के बारे में भी हमने पढ़ा होगा। यहां पर समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है, जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहती है। जनरली हम इनको एक्स वाई जेड एटसेट्रा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। कुछ अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी होते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस बता देते हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल लेटर ए बी सी डी एटसेट्रा, इनसे हम कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ वेरिएबल्स कुछ कॉन्स्टेंट और इन साइन से हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे 2x 3xy square 2xyz upon मान लीजिएगा से 3 एटसेट्रा। तो इस तरह जो भी बनते हैं इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल्स। भाई पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, मान लीजिएगा हम पॉलीनोमियल एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर एक्स 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 इस तरह से कुछ रहेगा, बीच में साइन हो सकता है प्लस माइनस, साथ में कोफिशियंट कौन हो सकते हैं, मान लीजिएगा 2/3, 6x-2, कुछ पावर्स होंगी, मान लीजिएगा यहां पावर 2, यहां पावर 1 और ये पावर 1, यही होगा पॉलीनोमियल। तो फिर कंडीशन हमने क्या अप्लाई की, भाई जो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है उनकी पावर होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं केवल पावर, जो कोफिशियंट है जो एक्स के साथ मल्टीपल के फॉर्म में है वो तो आपके फ्रैक्शनल है, लेकिन पावर 3, 2, 1 ये पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। यदि यहां पर हम ऐसे लिखते -2 तो अब ये पॉलीनोमियल नहीं रहेगा, यहां पर से ऐसे होता √x मींस x की पावर 1/2, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये बात 9th क्लास में भी हमने पढ़ी होंगी। आइए बात करते हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल पॉलीनोमियल में इन्वॉल्व है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। लाइक दैट 2x³ 3x² + 5x + 9 x³ + 2x² + 9 एटसेट्रा। तो यहां पर जो सबसे बड़ी पावर है x की वो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 3। अब ऐसे होता है 2x² + 3x + 6, तो यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 है, सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल आपने देख लिया, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे यदि किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं,
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री यदि 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 हो तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहीं तक आपकी 10th क्लास में हम कवर करेंगे, यहीं तक 10th क्लास में कवर करेंगे। फिर आता है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स किनको बोलते हैं। देखो बेटा 3/2x² + 5x + 9/5 लाइक दिस, तो प्लस माइनस से जो सेपरेट होती हैं ये टर्म है। तो कितनी टर्म है इसमें, 1, 2, 3। 2x + 5 में कितनी टर्म है, 1 और 2। तो टर्म के बेसिस पे यदि किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल एटसेट्रा। तो टर्म के बेसिस पे भी हमने बता दिया कि मोनोमियल बाइनोमियल किनको हम बोलते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल किनको बोलते हैं। चलो एक पॉलिनोमियल अब हम लिखते हैं, एक एग्जांपल x² - 3x - 4। यहां पर टॉपिक रहेगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरोज क्या होती है भाई, जीरोज। चलो सबसे पहले बताते हैं हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, एट गिवन वैल्यू, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिएगा मेरे को x = 1 पर वैल्यू चाहिए, तो जहां पर भी x होगा वहां पर हम 1 पुट कर देंगे, जो भी कुछ आएगी वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और p1, और वी कैन से p1 = this। यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे चाहिए तो 2^2 3 × 2 - 4 कोई वैल्यू आ जाएगी। इनको बोलता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। भाई x = जो भी कुछ पुट करोगे उसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं कि यदि यहां पर मैंने a पुट किया, यहां पर मैंने क्या पुट किया, a पुट किया, और a पुट करने के बाद सोल्व करके कोई जो वैल्यू मिली, मान लीजिएगा वो जीरो है, तो x = a is called zero of px। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो, इसको नहीं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लीजिएगा बी पुट करने पे भी मेरे को जीरो मिल जाती है, तो x = b is a zero of a polynomial। एक तरीका तो क्या होता है, एक मेथड तो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब ट्राई करते जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई मैंने यहां पर कुछ वैल्यू पुट करनी शुरू की, p1, p2, p-1, p-2, p3, p5/2 एटसेट्रा में निकालता गया कोई वैल्यू जो भी मिलती गई, पता नहीं ये जीरो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये लेंथी प्रोसेस भी हो सकता है, कि भाई हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे फाइंड आउट हम करें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिएगा मेरी पॉकेट में 20 रुपीज थे, और आपने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने कुछ पैसे आपको निकाल के दे दिए, कुछ पैसे पता नहीं कितने थे। अब मेरे को ऑब्वियसली वापस भी आपसे लेने होंगे। तो भाई जब मेरे को यही नहीं पता कि मैंने कितने पैसे आपको दिए तो मैं वापस कैसे लूंगा, हाँ उसका एक तरीका है, मेरी पॉकेट में कुछ पैसे बचे भी होंगे, जितने पैसे बचे हैं उनको मैं काउंट कर लेता हूं। काउंट मैंने किया तो मान लीजिएगा मेरे पास 12 रुपीज बचे हुए हैं। अब आप सब समझ गए होंगे कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मैंने कितने पैसे आपको दिए थे। तो बेटा मैंने मान लीजिएगा आपको x रुपीज दिए थे तो बाकी कितने बचे, 12, तो x = 20 - 12, तो पता चल गया। ऐसे ही हम करते थे इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व। ये बताने का क्या पर्पज हुआ, इसका पर्पज हुआ कि भाई मेरे को रिजल्ट तो पता है, क्या रिजल्ट पता है,
जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में एक्स की कोई वैल्यू पुट करते तो रिजल्ट जीरो बन जाता। अब वो कोई वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, तो बेटा मैं ऐसा ना करूं कि इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं। अब ये एक इक्वेशन बन गई, अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करके हम जो वैल्यू निकालेंगे, हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती हैं, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जिस पॉलिनोमियल की, किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल उतनी मैक्सिमम जीरोस कंटेन करता है, उतनी मैक्सिमम जीरोस हो सकती है। जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो बेटा डिग्री कितनी है वन, तो इसकी जीरोस भी कितनी हो सकती है, ओनली वन। कोई कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होंगी, टू, तो जीरोस भी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा दो कंपल्सरीली होगी, दो कंपल्सरीली होगी, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, यानी कि केवल जीरो। ठीक है, यानी कि कोई जीरो इसकी ना हो, किसी भी वैल्यू पर जीरो ना मिले। थ्री मींस कितनी जीरो, थ्री जीरो। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो मैंने बता दिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो मैंने बता दिया। ऐसा कहां पर होता है कि डिग्री टू हो और जीरोज केवल वन हो, जीरोज केवल वन हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम बीच में भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं बेटा इसी क्वेश्चन को सोल्व करके, इसी इक्वेशन को सोल्व करके। यहां पर ऐसा करते हैं, फोर के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस थ्री हो, जिनका डिफरेंस थ्री हो, तो कैसे निकालेंगे, फोर वन आर फोर और फोर और वन का डिफरेंस थ्री, बिल्कुल ठीक। तो इसको लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। पहले तो क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स एक्स माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर फर्दर एक्स माइनस फोर कॉमन एक्स प्लस वन। तो इट मीन्स पी एक्स कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म, पी एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लिखो ऐसे, फोर पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इधर इधर एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से एक्स एक वैल्यू मिल जाएगी फोर, और एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इस पॉलिनोमियल के लिए एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, केवल ये दो वैल्यूज ही ऐसी हैं, केवल ये दो वैल्यूज ही ऐसी हैं जिनको यदि मैं यहां पर पुट करूं, जिनको यदि मैं यहां पर पुट करूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो इनको बोल लेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इन दोनों वैल्यूज के अलावा, और इन दोनों वैल्यूज के अलावा हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी नहीं होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसको हम यहां पर पुट करें और ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल वन जीरो कैसे हो सकती है, केवल वन जीरो कैसे हो सकती है, आइए देखते हैं। एक ऐसे मैं लिखता हूं, मान लीजिएगा x माइनस टू की पावर टू, जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, एक्सप्रेशन ये बनता है, एक्सप्रेशन ये बनता है। बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, हाँ ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर इसकी जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई बैक प्रोसेस में चले जाते हैं, वापस वैसे चलते हैं, कैसे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही तो बनेंगे, मींस एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू दो बार बनेंगे। जब इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी होती है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो,
इधर पहले वाले फैक्टर को जीरो पुट करे तो भी x की वैल्यू टू, दूसरे को भी पुट करे तो भी x इज इक्वल्स टू टू। तो देखो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लेकिन जीरो कितनी मिलेंगी, जीरोस तो दो मिली, जीरोस तो दो मिली, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सॉरी कि उसका केवल एक लीनियर फैक्टर होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर जो करेंगे तो दो लीनियर मिलेंगे। क्यूबिक को यदि लीनियर में कन्वर्ट करना पड़े और हम कन्वर्ट कर पाए तो कितने, तीन लीनियर फैक्टर मिलेंगे। इट मींस तीनों को जीरो से इक्वेट करेंगे, तीन जीरो मिल जाएंगी। वो इक्वल भी हो सकती है, वो इक्वल भी हो सकती है और डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। तो यहां पर आपने कंसेप्ट जाना कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आपने देखा यहां पर नाइन्थ क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि यदि मेरे पास केवल कोई कांस्टेंट है, केवल कोई कांस्टेंट है ऐसे 5, 2, 3, तो इनको हम कांस्टेंट ना बोल के कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कितना पढ़ा होगा, इनकी डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल, ये कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये क्यूबिक। इसकी डिग्री के बारे में आपने बताया वन, अभी पढ़ा था हमने, ये डिग्री टू और ये डिग्री थ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन यदि मेरे पास केवल ए लिखा हो तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट की डिग्री कितनी होती है बेटा, किसी कॉन्स्टेंट ना बोल के इसको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो। इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो। एक स्पेशल बात करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा ये कॉन्स्टेंट होते हैं, तो ये भी तो कॉन्स्टेंट है जीरो, ये भी तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इस जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट होंगे, इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट होंगे तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जबकि इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या, नोट कर लीजिएगा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो वहां पर मेंशन है। तो स्पेशल केस है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, जीरो मतलब जीरो पॉलिनोमियल और डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो के बारे में हमने काफी कुछ जाना। एक ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। नाइन्थ क्लास में भी, एट्थ क्लास में भी आपने ऐसे एक्सिस तो जरूर ड्रॉ किए होंगे, ऐसे एक्सिस तो जरूर ड्रॉ किए होंगे। यदि नंबर लाइन की केवल बात करें, नंबर लाइन की, तो यहां पर आप जीरो रखते थे, ये 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2 एटसेट्रा। जब टू डायमेंशन की बात करते थे, जब टू डायमेंशन की बात करेंगे तो यहां पर भी 1, 2, 3, ये एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और ये ओरिजन होता था, ओरिजन 1, 2, 3, 4, और नीचे -1, -2, -3, -4। ठीक है बेटा, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये 1, 0 कहां होगा, इसको प्लॉट कीजिएगा, इसको प्लॉट कीजिएगा। ये क्या होता है एब्सिसा, ये क्या होता है ऑर्डिनेट, कंबाइंडली वी कॉल कोऑर्डिनेट, कंबाइंडली वी कॉल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो वन है ये हम एक्स एक्सिस पे कहीं ढूंढते हैं, ये कहां मूव करते हैं अलोंग विद एक्स एक्सिस, और ये जो दूसरा जिसको ऑर्डिनेट बोल रहा है इसको कहां ढूंढते हैं, कहां चलते हैं, कौन से एक्सिस पे, अलोंग विद वाई एक्सिस। तो 1, 0 चलने के लिए, 1, 0 पॉइंट प्लॉट करने के लिए हम यहां पर खड़े हैं, पहले हम अलोंग विद एक्स एक्सिस वाई यूनिट जाएंगे, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहां पर पहुंचने के बाद अलोंग विद वाई एक्सिस
हम कितना चलेंगे, जीरो, मतलब कहीं नहीं चलेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा वन और जीरो, और टू जीरो, थ्री जीरो, फोर जीरो, इधर आएंगे तो माइनस वन जीरो, माइनस टू जीरो, एंड सो ओम। ये बात बताओ सभी बच्चों को पहले से पता थी कि नहीं? निश्चित रूप से पता होगी। जो बच्चे मैथ से बिना मतलब डरते हो, जो बच्चे मैथ से बिना मतलब डरते हो या ऐसा लगता हो कि मैथ्स हार्ड है, उन बच्चों के लिए तो विशेष रूप से मेरी वीडियोस हैं, वो जरूर जरूर देखें। और वीडियोज में ना समझ में आए तब अपने दिमाग में बैठा है, हाँ भाई मैथ थोड़ा सा तो हार्ड है, अदरवाइज उतनी सिंपल बात है जितनी आप जानते हो, तो बस मैं बता रहा हूं, ये समझ लीजिएगा मैं पॉलिश कर रहा हूं। अब तक कोई भी ऐसी नई बात मैंने नहीं बताई कि जो आपको ना पता हो, या थोड़ी सी क्लास बदल रही है, लेवल बदल रहा है, तो कुछ नई चीज है लेकिन पुराने वाले, पुराने की टर्म में हम कोशिश करेंगे कि आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। तो बेटा यहां तक जानते हो, 10, 20, 30, 40 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे। इस बात को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे, उनका फर्स्ट वाला पार्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेकंड पार्ट जीरो होगा, ऑर्डिनेट जीरो होगा, ऑर्डिनेट जीरो होगा। इट मींस इस एक्सिस का नाम ही रख दिया वाई इज इक्वल्स टू जीरो। भाई ये तो वो लाइन है, ये तो वो लाइन है जिसे हम पहचानते हैं, कौन सी लाइन है भाई, यहां पे तो वाई जीरो हो जाता है, ऑर्डिनेट जीरो हो जाता है इस लाइन पे, इस लाइन पे ऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो आज के बाद हम इसको इसी नाम से पहचानेंगे, भाई ये तो y इक्वल्स टू जीरो है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, याद तो नहीं करनी पड़ी। सिमिलरली यहां के जो पॉइंट होते हैं ना बेटा, ये इस फॉर्म के होते हैं, जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री, नीचे जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू, एंड सो ओन, एंड सो ओन। तो भाई ये वो वाली लाइन है, ये वो लाइन है जिसका एबसीसा जीरो होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जीरो होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट जीरो होता है। बस हमने यही पहचान इसकी बना ली कि ये तो वो है जहां पर सभी पॉइंट्स का एक्स यानी कि ऑर्डिनेट जीरो होता है, जीरो होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब फाइनली फॉर्मुलाइज हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू जीरो। नाइन्थ क्लास में दो बातें आपने और पढ़ी होंगी इसके साथ साथ ही, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं, ठीक है, बाद में थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज केवल हम बेसिक ही करेंगे। एक लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कैसी होगी? देखो बेटा, पास करने वाली ऐसे हो सकती है। अब एक लाइन ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, भाई इनमें क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, मैं एक पॉइंट बताता हूं वन टू, यानी कि वन ऐसे चले और वन टू ऐसे चले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए वन टू, ठीक है। फिर टू टू की बात करते हैं, वन टू एंड वन टू, तो ये पॉइंट क्या हो गया टू टू, फिर थ्री टू, वन टू थ्री एंड वन टू, तो ये पॉइंट क्या हो गया थ्री टू। अच्छा बात ध्यान से देखो बेटा कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस से टू यूनिट की डिस्टेंस पर है, टू यूनिट की डिस्टेंस पर है, इसीलिए इन सबका ऑर्डिनेट टू है, इन सबका ऑर्डिनेट टू है, इन सबका ऑर्डिनेट टू है। तो यहां एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है इन पॉइंट्स में कि भाई एक्स एक्सिस से टू यूनिट की डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस से टू यूनिट की डिस्टेंस पर जो लाइन होगी उन सब पॉइंट्स का ऑर्डिनेट टू होगा, उन सब का ऑर्डिनेट टू होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसका नाम वाई इक्वल्स टू टू ही रख दीजिएगा, थ्री यूनिट डिस्टेंस पर है तो वाई इक्वल्स टू थ्री, ये नीचे है माइनस डायरेक्शन में है तो वाई इक्वल्स टू माइनस टू, वाई इक्वल्स टू माइनस टू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट की, भाई मान लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपके एक्सिस हुए, ये एक्सिस,
एक्स एक्सिस से एक दो तीन ऐसे एंड्स ऑन, मान लीजिएगा ये डिस्टेंस ए यूनिट है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो ए यूनिट डिस्टेंस पर हो उसकी इक्वेशन वाई इक्वल्स टू ए होगी, और नीचे होती है, नीचे होती तो माइनस ए, मतलब वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ठीक है बेटा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी ऊपर होगी तो वाई इज इक्वल्स टू ए, नीचे होगी तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मान लीजिएगा ये कोई है तो भाई y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, मान लीजिएगा k डिस्टेंस पर है, ये कितनी k होगी, तो इसका इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू k, और अपोजिट साइड में होती तो x इज इक्वल्स टू माइनस k, यदि ये डिस्टेंस k, ये डिस्टेंस k। तो ये सब बातें हमने नाइन्थ की थी, ये सब बातें हमने नाइन्थ की थी। इसका टेंथ में क्या मतलब है, इसका टेंथ में क्या मतलब है, आइए बात करते हैं टेंथ पे क्या मीनिंग निकलेगा इसका। टॉपिक हमने बोला था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल, और वो भी किस कंटेस्ट में, जीरोज वाली जो बात कर रहे थे, जीरोज वाले। जब भी मेरे पास कोई पॉलीनोमियल होता है या कोई इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन होती है, तो भाई हम उसका ग्राफ बना लेते हैं, हम उसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए जनरली हम ऐसे टेबुलर फॉर्म कि यहां पर x है और यहां पर y को x की टर्म में लिख लिया। x की कुछ इंडिपेंडेंट वैल्यूज हम डालते हैं, जैसे 0 डाल लिया, 1 माइनस 2 प्लस 2 एटसेट्रा, इसके कोरस्पोंडिंग y की कुछ वैल्यूज मिलती होंगी, इसके कोरस्पोंडिंग y की कुछ वैल्यूज मिलती होंगी। फिर मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे ये इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, और उसके बाद उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो हमको ग्राफ मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही बना देते ग्राफ। अब मान लीजिएगा कि मैंने किसी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एटसेट्रा, जो भी मेरे को इक्वेशन गिवन हो, जो भी मेरे को पॉलीनोमियल गिवन होगा, उसका मैंने ग्राफ बनाया। चलो देख लेता हूं, लीनियर होगा तो बेटा ऐसे होगा, लाइन की फॉर्म में होगा, y, y डैश, x, x डैश, ठीक है, x, x डैश, y, y डैश। लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोलते हैं कि जब भी उनका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलता है। अच्छा एक बात पूछता हूं, किसी इक्वेशन को देख के क्या हम बता सकते हैं कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, बताओ, या ग्राफ ही हमें बनाना पड़ेगा, भाई ग्राफ तो पहचान हो गई उसकी कि जब भी हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन की फॉर्म में ही वो अपीयर होगा, लाइन की फॉर्म में दिखाई देगा, बिना देखे, हाँ बेटा बता सकते हैं, यदि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसमें वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली वन होगी, तो वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, आइए यहां पर एक बात ध्यान देने की है, कि ये जो लाइन L1 है, L2, L3 एंड L4, इस तरह की कुछ लाइन है, ये लाइन X और Y एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे L1 X एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट करती है, बेटा इन दोनों पॉइंट के बारे में मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी तो है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, और सिमिलरली इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इतनी बात तो मानते हो कि नहीं, ठीक है। ये वाली लाइन जो एल टू है, एल टू कहां पे, एक्स एक्सिस को यहां पर, बस इतना मुझे पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि मेरे को यह मालूम था कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका y ऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डिनेट सेकंड वाला पार्ट जीरो होता है। इतनी बात समझ में आती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती है, केवल एक बार, देखो ना, इसने भी एक बार किया, ये जो लाइन है इसने भी एक बार, ये लाइन है इसने भी एक बार, मैक्सिमम एक बार ही इंटरसेक्ट कर सकती है,
इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे मैं पी एक्स इजिकल्स टू टू एक्स प्लस थ्री बोल रहा था, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा वाई से, एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे उनके रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी, लेकिन एक्स की कोई वैल्यू ऐसी मिलेगी, एक्स की कोई वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ज्योमेट्रिकल कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पर वाई तो जीरो होगा। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे कि यहां पर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, वहां पर एक्स की क्या वैल्यू रहेगी, इसी को बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू जीरो हो जा रही है, वाई की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल के लिए, इस लीनियर पॉलीनोमियल के लिए। सिमिलरली यहां पर इसके कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, मान लीजिएगा माइनस टू और जीरो थे, तो जीरोज क्या हुई, माइनस टू। एक्स की वैल्यू माइनस टू के लिए वाई की वैल्यू, आपको वाई कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो, वाई कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो, तो इसी को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। यानी कि अब आप समझ जाइएगा क्या करने वाले हैं, भाई कोई एक्सिस आपके पास ऐसे होंगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये ओरिजिन, मैंने कोई ग्राफ बनाया ऐसे ऐसे बन के आ गया, उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, चार जगह किया, यानी कि चार जगह वाई की वैल्यू जीरो मिलेंगी, चार जगह वाई की वैल्यू जीरो मिलेंगी, ठीक है। इन पॉइंट के नाम रख लेते हैं कुछ, मान लीजिएगा ए बी सी और डी, वाई की वैल्यू कितनी जगह जीरो है, चार, उनके रेस्पेक्ट में एक्स की कुछ तो वैल्यूज होगी, बस यही जीरोज है, कितनी जीरोज मिलेंगी, चार जीरोज मिलेंगी, चार जीरोज मिलेंगी, यानी कि एक्स की चार वैल्यू ऐसी आपको मिलेंगी जिनके लिए वाई जीरो हो जाएगा। तो ये कितनी डिग्री का होगा, भाई जितनी जीरोज ये उतनी डिग्री, डिग्री कितनी हो जाएगी, फोर। डिग्री कितनी, पहली वाली एक्सरसाइज में यही सब बताना है, ज्यादा मैंने तो काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया है, ठीक है, अदरवाइज बताने के लिए मैं सिंपल बता सकता था, लेकिन आपको अब रीजन भी पता चल गया, अब आपको उसका रीजन पता चल गया। देखो बेटा, मान लीजिएगा ये ग्राफ है ऐसे, कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह, एक दो और तीन, बस तीन जीरोज है, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो जरूर मिलेगी, हाँ इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये ग्राफ किसका होगा, ये क्यूबिक का होना चाहिए भाई, ये क्यूबिक का होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई ग्राफ दिया होगा, एक्सिस बने हुए होंगे और पूछेंगे कितनी जीरोज हैं या कितनी डिग्री का पॉलीनोमियल ये होगा, तो काउंट कर लीजिएगा कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह ये कर्व, ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा उतनी जीरोज होगी, उतनी डिग्री का ये पॉलीनोमियल होगा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, रीजन मैंने आपको समझा दिया है, रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बेटा। पहली वाली दो एक्सरसाइज सिर्फ बहुत छोटी छोटी सी है, इसी तरह के छोटे छोटे उसमें क्वेश्चन है, देख के बताना है, कुछ ये पहचान करके बताना है, कोई आपको एक्सप्रेशन दिया होगा और एक्सप्रेशन से पूछेंगे कि बताइए ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी जीरोज कितनी है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीनोमियल टॉपिक का इंट्रोडक्शन था, आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनोमियल, ऑफ अ पॉलीनोमियल, उसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं कि होना क्या होता है, होना क्या होता है। बताया था कि लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी, ये पॉलीनोमियल लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इसमें बताओ बेटा कितनी जीरोज होंगी, केवल वन, इसमें कितनी जीरोज होंगी, केवल टू,
मैक्सिमम टू और इसमें जीरोस कितनी होंगी, थ्री। मान लेते हैं कि इसकी जीरोस का नाम अल्फा, समझ जाऊंगा कि एक्स की वो वैल्यू जिसे पुट करेंगे, जिसे इसमें पुट करेंगे तो जीरो मिल जाए, तो कितनी वैल्यू मिल सकती है मैक्सिमम एक, तो उसका नाम हमने रख लिया एक्स की वो वैल्यूज जिन्हें आप पुट करके जीरो मिल जाती है उसका नाम अल्फा है। यहां पर दो वैल्यू मिली थी ना क्वाड्रेटिक में, जैसे मैंने सोल्व किया था एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स की दो वैल्यू मिली थी ना एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू थ्री, तो भाई इसी का नाम अल्फा और बीटा है, इसी का नाम अल्फा बीटा है। एक्स की जो दो वैल्यूज मिली थी ना एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू, तो उनको एक्स वन एक्स टू ना करके अल्फा बीटा बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो ये दो जीरोज कौन सी है, अल्फा और बीटा। तीन जीरोज है तो अल्फा बीटा और गामा, मान लीजिएगा क्यूबिक की ये तीन जीरोज है। और कोफिशियंट कौन कौन से हैं, कोफिशियंट कोफिशियंट है ये जो साथ में कॉन्स्टेंट है, इनको क्या बोलते हैं कोफिशियंट, ए ये और ये। इसमें कोफिशियंट कौन कौन से हैं, ए बी सी, और जीरोज कौन सी हैं, अल्फा बीटा। इसमें कोफिशियंट कौन है, ए बी सी और डी, ये तो कोफिशियंट हो गए, और जीरोज कौन है, अल्फा बीटा गामा। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है वो नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बेटा उम्मीद है कि मैंने पूरी मेहनत से आपको बेसिक्स बताए हैं, है ना, और बुक से आप पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेशन के बारे में आगे आपको बताएंगे। थैंक यू बेटा।